देखिए cos 20 प्लस cos 10 को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। अब ये किसमें है, सम में। सो जी फार्मूला होता है cos u प्लस cos v जो के बराबर होता है 2 cos u प्लस v अपॉन 2 cos u माइनस v अपॉन 2। अब वेल देखो सम से प्रोडक्ट के लिए ये u हो गया ये v हो गया। सो भाई कोई मुश्किल काम नहीं है, 2 हमारा अपनी जगह रहा cos 10 प्लस 5 15 अपॉन 2 और फिर देखो u माइनस वी यानी 10 माइनस 5 एक मिनट 30 अपॉन 2 और 15 माइनस 5 2। अब ये अलहदा बात है कि 30 अपॉन 2 15 होता है तो आ गया 2 cos 15 और यहाँ आ गया 2 cos 5 और यही बच्चों हमारा आंसर है। बड़ा सिंपल सा।